बांग्लादेश में क्या चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। चाहे वहाँ पे हिंदुओं के चीखने चिल्लाने वाली वीडियो हो, वहाँ की हिंदू लड़कियों का होना, वहाँ के मंदिर तोड़ना या वहाँ के हिंदुओं की दुकान तोड़ना, सामान लूटना, तीर्थ भाई को लगता है कि अब कुछ अलग करना चाहिए। तो भाई फनी रील से सैड रील बनाते हैं और अब ये यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पता है तो किसी और को नहीं पता है। ये भाई कहते हैं कि लूसीफायर वाज इनोसेंट। भाई तभी तो उसका नाम एक्सप्लोइट कर रहा है। इतनी ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग किसी लोकल ब्रांड की मैंने आज तक नहीं देखी। पर मेरी वीडियो के अंदर मुद्दा ये है कि ये लोग तेल नहीं बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। खून निकलवा दिया शरीर से, रात भर एक्सरसाइज करी, लेकिन सुबह सिर्फ 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हेलो जी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर इंटरनेट पंचायत का फर्स्ट एपिसोड डालो एक नया शो, उसके अंदर मैंने मेल कुल्लर पिज्जा ऐसे कई टॉपिक डिस्कस किए। मेरे को पता नहीं था तुम इतना सारा प्यार, इतने अच्छे अच्छे मैसेज और सबसे ज्यादा कमेंट थे पार्ट टू के लिए। तो भैया पार्ट टू आ चुका है, पार्ट थ्री के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। वेलकम टू पार्ट टू ऑफ इंटरनेट पंचायत। पंचायत है उसका सबसे लास्ट मुद्दा रहेगा बांग्लादेश की कैसे ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इस पंचायत का जो पहला मुद्दा है आज वो एक ऐसे यूट्यूबर पे जो कहता है शैतान जो लूसीफायर था वो इनोसेंट है। यूट्यूब की जो ऑडियंस है उसको मिसलीड करने का आजकल ट्रेंड चल रहा है। तीर्थ परसाना जो की फेमस हुआ था इंस्टाग्राम पे फनी वीडियो, भाई चीप ह्यूमर कंटेंट, उसके बाद तीर्थ भाई को लगता है कि अब कुछ अलग करना चाहिए। तो भाई फनी रील से सैड रील बनाते हैं और अब ये यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं पता है। ये बंदा खुद को एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट बताता है। ये भाई कहते हैं कि लूसीफायर वाज इनोसेंट। भाई तभी तो उसका नाम एक्सप्लोइट कर रहा है। चल भाई ठीक है, इसने कंटेंट के लिए वीडियो बना दी, लेकिन ये क्या वक्त होती है भाई, इसके ऊपर इसने पूरी किताबी छाप दी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक के रिव्यूज देखे जाए, तो सारे रिव्यूज बस यही है कि इट इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बुक ऑफ द ईयर। फिर मैंने रिव्यू करने वालों से पूछा कि भाई आपने बुक पढ़ी है, तो लोग कहते हैं भाई पढ़ी बड़ी नहीं है, पैसा मिला ये लिखने का तो लिख दिया। मैंने आज तक अभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी। ये क्या है थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। The people who rule the world। तीर्थ कहता है कि एक फ्रीमेसन करके एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इनका ऑफिस है भाई मुंबई में। इन लोगों का मेरे को इनविटेशन आया, भाई जिन लोगों का पूरी दुनिया पे कंट्रोल है वो तेरे को बुलाएंगे, तू है कौन रे? तो भियो यहाँ पे जो मुद्दा है वो है ऑडियंस को फुद्दू बना के चीप मार्केटिंग करवाने का। मैं देखा है, आई एम सच अ बिग फैन, मैं गया उसके पास भागते हुए। तो उसके बाद मैंने उसको सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा, व्हाई वाज लूसिफर इनोसेंट, आप ऐसा क्यों बोलते हो? उसने बस मर्क किया मेरे तरफ देख के। एक अगले सुबह मेरे घर पे एक कुरियर आता है, उस कुरियर में मुझे किताब मिली। लाइक दिस बुक इज लाइक अ स्लैप ऑन माय एंटायर चाइल्डहुड। किसी पॉडकास्टर को पैसे देके सीरियस फेस बना के वीडियो बनवा दी और इनको फिर वो टीनेजर्स फॉलो कर लेते हैं जिनको लगता है कि भाई ऐसा कंटेंट देखने पे हम कूल लगेंगे। फिर भाई जो एक महंगे सेलिब्रिटी की तरह खुद को पोर्ट्रे करते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई बड़ा सेलिब्रिटी है। टोटल मिला के बात ये है कि सस्ती मार्केटिंग के थ्रू ये जो ऑडियंस है उनको मिसलीड फुद्दू बना रहा है। अब लूसीफायर इनोसेंट हो ना हो, लेकिन तेरी ऑडियंस तो जरूर है भाई। इसका जो कॉन्टेंट है वो है कि फुद्दू सी बात पे मिस्टीरियस म्यूजिक लगा दो, लाइट लगा दो और आंखें फाड़ लो। अगर तेरे को आंखें फाड़ना आता ही है तो आंखें खोल के सच्ची देख ले भाई। अब जब बात चीप मार्केटिंग की हो रही है, प्लीज भाई अब तुम लोग ये मत बोल देना कि तुमने लंबे बाल वाले साउथ मूवीज के विलन को नहीं देखा अभी तक। इतनी ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग किसी लोकल ब्रांड की मैंने आज तक नहीं देखी। पर मेरी वीडियो के अंदर मुद्दा ये है कि ये लोग तेल नहीं बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। आदिवासी हेयर ऑयल वाले लंबे बाल देना दे, लेकिन लंबे लंबे फेंकते रहे भाई। अब इंटरनेट के ऊपर लोगों ने तेल यूज किया और जब रिव्यू दिए तो भैया मेरी फट गई। इसके अंदर कुछ ऐसे सीरम्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आप जब तक लगाओगे तब तक बाल शाइन करेंगे, जैसे ही लगाना छोड़ोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आदिवासी हेयर ऑयल छोड़कर देखा जाए क्या मेरे बाल फिर से झड़ने लगते हैं। तो फिर मैंने एक हफ्ते तक आदिवासी हेयर ऑयल का यूज नहीं किया और जिस चीज का डर था वही हुआ, फिर से मेरे बाल झड़ने लगे। इनके तेल में 108 जड़ी बूटी और सबसे इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है जिसको फूक के ये बनाते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है भाई तुम किसी कम्युनिटी से आते हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऐसी करवाना कि भाई हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, हम जाहिल हैं, हमें तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे खुद का प्रोडक्ट डालते नहीं आता। लेकिन इनके एडवर्टाइजमेंट में नीचे नंबर चलेंगे भाई, 8-10 नंबर भाई, इतने नंबर है लेकिन इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। फिर थोड़ा बहुत इंटरनेट पे देखा तो पता चला कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पे जीएसटी नंबर देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा भाई कितने की सेल हो रही है, टैक्स भरना पड़ जाएगा। मतलब इतने समझदार ये लोग हैं कि टैक्स ना भरना पड़े इसलिए खुद को गवार बता देते हैं। इंटरनेट के ऊपर इन्होंने बॉलीवुड, टॉलीवुड, यूट्यूब, सारे सेलिब्रिटी, सारे यूट्यूबर्स खरीद लिए। मतलब अगर इतना पैसा है और फिर भी तुम खुद को अनपढ़ कह रहे हो तो भाई मैं भी अनपढ़ हूं भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोकल एरिया हो या बड़ा एरिया हो, बॉडी शेमिंग दबा के होती है। तुम्हारे लुक्स को लेकर तुम पे जोक्स क्रिएट कर देते हैं, तुम्हारा नाम रख देते हैं कालू, लंबू, मोटू। तो ऐसे सब में जब बंदा
थोड़ा इनसिक्योर होता है। वहीं पे जब ये टीवी पे एड आ जाते हैं भाई फेयर एंड लवली है कि गोरे हो जाओगे, अब वहीं पे तुम्हारे किसी के बाल नहीं है, घने नहीं है, लंबे नहीं है, वहीं पे ऐसे लोग जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, मेरे को प्रॉब्लम इनसे। पर यहाँ पे तुम लोग ही सोचो कि अगर तेल लगाने से बाल आ रहे होते, ये जेनेटिक्स वगैरह जीन्स वगैरह कुछ नहीं होता, तो अनंत अंबानी गंजा होता क्या भाई? उनके पिताश्री जो है वो तेल जड़ी बूटी छोड़ो पूरी कम्युनिटी खरीद सकते हैं। तो इट्स रियली हाई टाइम कि मेरे और आप जैसे लोग ये समझे और एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्टेंस मेरे को पता है हर चीज का नहीं हो सकता, जैसे पेरिस के अंदर ओलंपिक हो रहा है, अब उसके अंदर विनेश फोगट का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। उस बंदी के अराउंड जितनी भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है उसको सब साइड में रखो, लेकिन देखो वो एक लड़की है। विनेश फोगट ने पिछले कुछ साल में काफी कुछ झेला है, चाहे वो पॉलिटिकल वॉर हो, उसकी कजिन ने कर ली थी, पिछले ओलंपिक में 53 केजी वेट कैटेगरी में उसको फाइट करने का मौका नहीं मिला, इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस साल 50 केजी कैटेगरी में उन्होंने जापान के एक अनडिफीटेड प्लेयर को हराया, फाइनल में पहुंची। रात को उनका वेट था 52 केजी, वो रात भर नहीं सोई, उन्होंने अपने बाल नाखून काटे, खून निकलवा दिया शरीर से, रात भर एक्सरसाइज करी, लेकिन सुबह सिर्फ 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनेश फोगट की जो पिछले 2-3 दिन है उसको देख के मेरे को हार्दिक पांड्या के दिन याद आया कि भाई पिछले 1-2 साल उनका फैमिली ले लो, प्रोफेशन ले लो, इतने सारे चैलेंज आए, लेकिन सडनली ये हो गया। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी और मैं कभी नहीं दूंगा। लेकिन आज जो 6 महीने गुजरे पूरे तरीके से चालू हुआ, और देखे ऊपर वाले की कृपा, देखे कि मौका भी कैसा मिला। सबसे बेकार चीज ये कि विनेश फोगट ने गिव अप कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि अब से वो फाइट नहीं करेगी, वो हार गई है। लेकिन आई होप ये मैसेज उन तक पहुंच जाए कि मैम ये बस स्टार्ट है यार, होता है अप्स एंड डाउन्स। अगर हार्दिक पांड्या गिव अप कर देता तो शायद ये वर्ल्ड कप हमारा नहीं होता। अब चाहे ओलंपिक में हमें गोल्ड नहीं मिले, लेकिन मेहनत करने वाले हीरे जरूर मिले, चाहे वो मनु हो, सरब जोत हो या स्वप्निल हो जिन्होंने ब्रॉन्ज जीते, या फिर विनेश फोगट या लक्ष्य सेन हो जो मेडल से चूक गए लेकिन दिल बराबर जीते, या फिर हमारे देश की बेटी आयुषु हो जिसने हमारे देश के लिए गोल्ड जीता। एक्स्ट्रा फैमिली डीपी कॉम्पिटिशन जमशेदपुर गर्ल्स एंड बॉयज, तीसरा मेरा डीपी बैटल हुआ था गर्ल्स का, उसमें जो विनर आए आयुषु उनको आज मैं बुलाऊंगा और मेडल लेकर सम्मानित करूँ। सेकंड राउंड प्लेस को ऑल द बेस्ट करूँ। देश विदेश में नाम बनाने की बात हो रही है तो हमारे डीएचएस आर्टिस्ट हनुमान काइंड ने एक ऐसा गाना बनाया जो वर्ल्ड वाइड भाई फेमस हो रहा है। गाने के साथ साथ लोगों को इसका म्यूजिक वीडियो पसंद आ रहा है, और मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ऐसी चीज दिखाई जो हम सबने बचपन में देखी है, चाहे वो मेले में देखी हो, अलग से देखी हो, मौत का कुआं, दारू, छोटे कपड़े, नंगे बदन, कुछ नहीं, बिल्कुल रो एंड रियल। मतलब किसने सोचा होगा कि म्यूजिक वीडियो के अंदर डांस करने वाली इन्फ्लुएंसर को एक मौत के कुएं के अंदर एक बहादुर लड़की रिप्लेस करेगी। और सोची तो किसी ने ये भी नहीं होगी कि थारा भाई जोगिंदर इतना गिर जाएगा व्यूज के लिए, कि वो एक हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम को मजाक या व्यूज के लिए यूज करेगा। भाई पुनीत भाई को हार्ट अटैक हो गया है, और आज है ना मेरे को सच में रोना आ रहा है कि क्या बताऊं, ये वही बंदा है जो आप लोगों को हंसाता था, जो कीचड़ों में सोता था। देखो भाई मैं मानता हूँ कि दोनों के दोनों क्रिंज है, लेकिन मिलियंस में फॉलोवर है। जब इन्होंने ऐसी पोस्ट डाली हार्ट अटैक की, लोग इमोशनल हो गए, लोगों ने लाखों में शेयर्स करे। पुनीत हॉस्पिटल में एडमिट है ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से, जोगिंदर भाई कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया, 10 से ज्यादा रील्स बना दी उसके साथ। मैंने हमेशा अपने चैनल पे बोला है कि ये लोग एकदम फ्रॉड है। तुम लोग समझते हो कि भाई ये सड़क से उठ गए हैं, इनको पैसे कमाने का हक है, भाई है, जो मेहनत करता है जिसकी नीयत साफ है उसको कमाने का हक है, लेकिन ये लोग हमेशा से जो ऑडियंस इनको प्रमोट करती है उन्हीं का चूतिया काटते हैं, चाहे फिर किसी गरीब के नाम पे डोनेशन लेके उससे अपना घर बनवाना हो। पर आज इस पंचायत का मुद्दा ये है कि इंडियन ऑडियंस और जो पॉडकास्टर्स हैं ये कर क्या रहे हैं। पॉडकास्ट वाला जो सिस्टम है ये बाहर से आया है, वहां पे पॉडकास्ट जो है वो ऑडियो फॉर्म में होता था, किसी बड़े बिलियनरी को बुला लिया, किसी फाउंडर को बुलाया, सीईओ को बुलाया, किसी बहुत बड़े यूट्यूबर को बुलाया, मतलब ऐसा बंदा जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा, उससे क्वेश्चन किए जाते थे कि भाई आप अपना शेड्यूल क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपका आपने कैसे इस कंपनी को जीरो से लेके वहां तक पहुंचाया, आप कैसे जीते हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप सेविंग कहां पे करते हो, आपके पॉलिटिकल टेक क्या है, ये सब बातें ताकि आपको किसी सक्सेसफुल बंदे की लाइफ स्टोरी जानना, उसके बारे में समझना मिले। लेकिन जब ये सेम कंटेंट इंडिया में आया तो पॉडकास्ट का मतलब यहां पे हो गया कि भाई चूतिया बुलाओ और व्यूज पाओ। हजारों पॉडकास्टर पॉडकास्ट कर रहे हैं ऐसे बंदे के साथ जिसका कंटेंट है नाली में लेटना। उस बंदे ने एक बार इंटरनेट पे आगे बोल दिया कि भाई मैं गरीबों को दान देता हूं, उसके बाद सेम क्लिप्स को मीम पेजेस पे जाके पीआर चालू करवा दी, और हमारे यहां का यूथ
ढाई तीन घंटा बैठ के पॉडकास्ट देखता है कैसे फुद्दू का। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, लेकिन भाई यही एडवाइस दूंगा कि सोशल मीडिया पे इतना टाइम वेस्ट मत करो कि तुम्हें आगे जाके अपनी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़े, क्योंकि आगे जाओगे तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर अच्छी चीजें होनी चाहिए, ना कि भाई हम पॉडकास्ट देखते हैं भाई दो ढाई घंटे। भाई नहीं भाई, पॉडकास्ट चैनल देखना ही है तो प्रखर जैसे बंदों के देखो, जिसकी वीडियोस के अंदर कम से कम तुमको एक डिफरेंट ओपिनियन, कुछ अलग बातें सुनने को मिलेगी, वरना भूत प्रेत लड़की बड़की भाई बहुत हो गया। भाई जोगिंदर पूनी जैसे क्लाउंस को इग्नोर करना सीखो, जिनकी भूख इंसानियत से बड़ी है। और भाई अगर इंसानियत देखनी है तो भाई इंदौर आओ और हम इंदौरी से सीखो। मेरे को छोड़ो भाई, जाकिर खान को देख लेते हैं। जाकिर खान एक छोटा सा आर्टिस्ट जो पायोनियर है भाई स्टैंड अप कॉमेडियन का, एक छोटा सा आर्टिस्ट जो इंदौर से निकला, उसने बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, मुंबई गया, रेडियो में काम किया। पर आज मेरे को ये बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मतलब पता नहीं उनके लिए मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब सोनी टीवी पे, सोनी लिव पे उनके नाम से शो आएगा, आपका अपना जाकिर खान। शायद तुम्हारे भी कुछ फेवरेट आर्टिस्ट होंगे जिनके अचीवमेंट पे तुम उनसे ज्यादा खुश होते हो। और ये बताओ मेरे को कि जब तुम्हारा दीप कुछ ऐसा अचीव करेगा बड़ा, तो तुम लोगों को प्राउड होएगा कि नहीं। अब इस पंचायत का सबसे सीरियस मुद्दा डिस्कस करते हैं, जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या चल रहा है किसी से छुपा नहीं है, चाहे वहाँ पे हिंदुओं के चीखने चिल्लाने वाली वीडियो हो, वहाँ की हिंदू लड़कियों का होना, वहाँ के मंदिर तोड़ना, या वहाँ के हिंदुओं की दुकान तोड़ना, सामान लूटना, ये सब हो। ये माना तो सभी के लिए मुश्किल है कि सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से इतना कुछ स्टार्ट हो, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इंडिया के ही कई पत्रकार हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कई लोग हैं जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये तो सब प्रोपोगेंडा है, वहाँ तो सब सही है, वहाँ के जो मुस्लिम है वो मंदिरों को बचा रहे हैं, वहाँ की पीएम क्योंकि डिक्टेटर थी तो इसलिए सब हो रहा है। और जितने भी लोग इनसे मैनिपुलेट हो रहे हैं या इनका साथ दे रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ ऐसा होना या वहाँ पे ये सब होना इंडिया के लिए कैसे। एक प्रो इंडिया सरकार थी वहां पे, जिससे हमारे रिलेशन अच्छे थे, जिससे हमें कई पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहे थे, हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहे थे, उनके साथ ऐसा होने पे हम जश्न क्यों मना रहे भाई। और सबसे शर्म की बात ये कि किसी देश की पीएम के घर में घुसना, जो एक औरत है उसके एक अंडरगारमेंट को ऐसे शोकेस करना, कैसा प्रोटेस्ट है यार ये। पेट्रियोटिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सिनेमा गए, देशभक्ति की मूवी देख ली, कभी कभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज मैंने अपना काम कर दिया। बाकी श्री राम मां के सारे हिंदुओं की रक्षा करें। यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं।